एक्चुअली में जाके देखते नहीं है जो फिल्म बनाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि फिल्म के लिए कौन लोग अच्छे हैं, कौन एक्टर्स अच्छे हैं, उनकी आपस में एज एक्टर्स एनर्जी कैसी होगी, वो टॉप प्रायोरिटी होती है। बाकी ये पेरिफेरल्स हैं जो मदद भी करते हैं, कभी नुकसान भी करते हैं। इस केस में मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर वाकई ऐसा कुछ होता कि दोनों के बीच में इक्वेशन या एनर्जी अच्छी नहीं होती तो शायद नुकसान होता इस बात का, लेकिन भगवान की दया से ऐसा नहीं था। दोनों ने दोनों हाई स्पीड में नहीं चली, दोनों के बीच में बिजली नहीं कड़की, तो अच्छे से काम हुआ, एक अच्छी सी फिल्म बन गई और हम लोग सब मिल के पिक्चर को लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आप कितना भी प्रमोट करो ना करो, द मूवी हैज़ टू बी गुड टू रन, फाइनली इट बॉयल्स डाउन टू दैट। लेकिन आजकल इतनी सारी चीज़ें हो रही है एक दिन में, चाहे वो डिजिटल पे हो, चाहे हर मीडिया टीवी पे हो, अदरवाइज इवेंट्स हो, तो इतना नॉइज़ होता है, उस नॉइज़ में आपको अपनी आवाज़ थोड़ी ऊँची करके कहना पड़ता है ऑडियंस को, हमारी भी फिल्म आ रही है, आप प्लीज़ देख लीजिए। तो आई थिंक प्रमोशन इज़ बेसिकली दैट, मेकिंग पीपल अवेयर कि आपकी फिल्म आ रही है, यू सीन एवरीवेयर। तो लोग पूछ रहे क्या हो रहा था वहाँ, माधुरी जी क्यों थी, वो बिकॉज ऑफ गुलाब गैंग, तो उनको पता चलता है गुलाब गैंग की वजह से है। तो उस हिसाब से जस्ट मेक देम अवेयर, फाइनली फिल्म में वो दम होना चाहिए कि वो चले। पहली बार उसमें एक्शन है और मतलब कड़क एक्शन है, बिल्कुल लाइक रियल एक्शन बिल्कुल, और इसमें कोई स्टंट डबल नहीं है। मज़ा आया करते वक्त और आई होप पीपल एंजॉय इट। नहीं ऐसा, इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशंस यू वांट टू डू। गुलाब गैंग तो सब देख ही रहे, ट्रेलर भी आ गया है, लोगों ने देख भी लिया। हाँ प्रोड्यूसर बैन है, प्रोड्यूसर बैन है, तो नेसेसरी नहीं है कि आपको उसी कैरेक्टर में आना है, क्योंकि दिस इज नॉट रजो है, वो फिल्म में है, वो एक अलग किरदार है। लेकिन मैं माधुरी दीक्षित, वी आर टॉकिंग अबाउट माई यू नो द पर्सनैलिटी आई प्ले।